दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, भारत के नागरिकता कानून पर 57 मुस्लिम देश हुए आग बबूला, भारत को दी ये चेतावनी। खबर जानने के लिए वीडियो पूरी देखें। आपको बता दें, मुस्लिम देशों के सबसे बड़े मंच इस्लामिक संगठन OIC ने नागरिकता संशोधन कानून पर बयान दिया है। OIC ने कहा है, नागरिकता संशोधन कानून और अयोध्या मामले के फैसले को लेकर वह चिंतित है और संगठन का कहना है कि भारत के मुस्लिमों को प्रभावित करने वाले हालिया घटनाक्रमों पर वह करीब से नजर बनाए हुए हैं। गौरतलब है कि इस्लामिक सहयोग संगठन में पाकिस्तान समेत 57 मुस्लिम बहुसंख्यक देश शामिल हैं। बता दें, संगठन कश्मीर समेत तमाम मुद्दों पर भारत को अपनी कड़ी प्रतिक्रियाएं देता नजर आया है। बता दें, OIC ने एक बयान जारी करके कहा है कि संगठन के महासचिव भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों को प्रभावित कर रहे घटनाक्रमों के विकास पर नजर रखे हुए हैं। OIC ने अपने बयान में कहा कि संगठन नागरिकता अधिकारों को लेकर नए कानून और बाबरी मस्जिद मामले को लेकर चिंता जाहिर करता है। OIC ने भारत सरकार से मुस्लिम अल्पसंख्यकों को और उनके धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। बयान में कहा गया है कि संगठन संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और तमाम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में उल्लिखित अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी के सिद्धांत में अपने यकीन को दोहराता है। इसके साथ ही संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर इन सिद्धांतों के विपरीत कोई भी कदम उठाया जाता है तो उससे तनाव बढ़ेगा और इससे क्षेत्र की सुरक्षा व शांति पर बुरा असर पड़ने की भी आशंका है। बता दें, मलेशिया और तुर्की समेत कई मुस्लिम देशों ने भी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विरोध जताया है। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।